अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको पता है कि नेक्स्ट इनटेक 2024 जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सी कंट्री जो है वो यूरोप में इटली के अलावा बेस्ट है। तो आज की वीडियो ये है कि इटली बेस्ट है या फिनलैंड बेस्ट है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो काफ़ी परेशान हैं कि कौन सी कंट्री को चूज़ किया जाए। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है, अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली के अंदर मैं आपको डिफरेंट जो है मैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बता देता हूँ, देन मैं आपको फिनलैंड के बारे में बता देता हूँ। अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो आती है। इसके शेंजन इसका वीज़ा दिया जाता है आपको, लेकिन इसके अंदर जो इश्यूज़ आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यहाँ पर दो जो है वो एम्बेसी चल रही हैं, एक इस्लामाबाद एम्बेसी चल रही है और एक कराची एम्बेसी चल रही है। अब इसके अंदर जो है वो इशू ये आता है कि जो इस्लामाबाद एम्बेसी है कि इस ईयर अगर हम बात करते हैं कि 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर इशू फेस करना पड़ा कि अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि थ्रू ईमेल आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा डिले आता है। सेकेंड थिंग ये है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में इस साल जो है वो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम अदर हैंड बात करते हैं कि कराची कौंसलेट की, तो कराची कौंसलेट के अंदर जो है, क्योंकि वाकिन के ऊपर होता है कि आप जाएंगे और आपको सर्व किया जाएगा जारी ऑफिस में, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद एम्बेसी बहुत अच्छा था। अगर हम बात करते हैं कि इनटेक्स इनकी कब स्टार्ट होती है, तो फिनलैंड की और इटली की इनटेक जो है वो सेम ड्यूरेशन में स्टार्ट होती है। दिसंबर में इनकी जो है वो इनटेक स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड जाती है, तकरीबन जून जुलाई तक जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इटली के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो इटली के अंदर जो है वह नॉर्मली जो है वह लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। इनकी जो फ़ीस वेरी करती है वो तकरीबन 2000 से लेके 2500 यूरो तक जो है इनकी फ़ीस जो है वो फॉल करती है। और यहाँ पर दो किस्म की आपको स्कॉलरशिप दी जाती हैं, एक आपको रीजनल स्कॉलरशिप दी जाती है जिसे नीडी स्कॉलरशिप कहा जाता है, जो कि हर स्टूडेंट को नॉर्मली मिल जाती है, क्योंकि इटली के अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट रीजन में फॉल करती हैं। तो जौन सी यूनिवर्सिटी जिस रीजन में फॉल करती है उसी को उसको उसी के रीजन के लिहाज से जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। सेम लाइक डैट जो मेरिट स्कॉलरशिप्स होती है उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली सारे स्टूडेंट्स की रैंकिंग होती है, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं मतलब कि ग्रेड्स उनके 90+ में होते हैं, उनको मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल जाती होती है। इसमें जो नीडी स्कॉलरशिप आपको जिसे रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं उसकी अमाउंट जो होती है वो 6200 से लेके तकरीबन 7200 यूरो तक होती है, जो कि नॉर्मली हर स्टूडेंट को मिल जाती होती है। तो इटली की अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो इटली में एक बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा कम होती है, और उसके अलावा आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपका मील भी हो जाता है, आपकी अकोमोडेशन भी मैनेज हो जाती है और अदर जो मिसिलिनियस आपके एक्सपेंस होते हैं वो भी मैनेज हो जाते हैं, जैसे आपको टिकट मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम इटली की बात करते हैं कि इटली जो है वो कंट्री किस लिहाज से अच्छा है, तो इटली की अगर हम बात करते हैं तो एक ग्लोबल कल्चर है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पर जो है वो रहते हैं, इटालियन इनकी लैंग्वेज है और जो आपका कोर्स वर्क होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर सर्वाइवल एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री काफ़ी ईजी है, क्योंकि ग्लोबल कल्चर है, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी जो हैं वो अच्छे लोग हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, तो इस लिहाज से जो है ये कंट्री अच्छी है। लेकिन अगर हम वीज़ा रेशो की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इटली की जो वीज़ा रेशो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में इस साल अच्छी नहीं रही ड्यू टू सम फैक्टर्स। जो फर्स्ट फैक्टर इसमें ये था कि क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं तैयार कर रहे थे इस्लामाबाद में, क्योंकि इन्होंने अपना सेटअप जो है वो थोड़ा सा बड़ा किया, तो पॉसिबिलिटी यही है कि नेक्स्ट ईयर जो कमिंग इनटेक है 2024 के अंदर इंशाल्लाह इस्लामाबाद एम्बेसी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, सेम लाइक जैसे कराची कौंसलेट ने परफॉर्म किया इस साल। क्योंकि कराची कौंसलेट के अंदर इस बार जो है वो वीज़ा एक्सेप्टेंस जो थी वो तकरीबन 80% रही है, जबकि इस्लामाबाद में इसके जो है वो हाफ में रही है। तो ये थी इटली के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि फिनलैंड की, फिनलैंड की भी सेम लाइक जो है ये शेंजन कंट्री के अंदर आता है, एक ठंडी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, लिमिटेड इनकी पॉपुलेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इधर, तो काफ़ी अच्छी कंट्री है। इनटेक की अगर बात करते हैं तो इनटेक जो है वो इनकी दिसंबर के अंदर स्टार्ट होती है और जाती है ये आपकी फरवरी मार्च तक जाती है, जैसे कि अभी भी इनकी एक शॉर्ट इनटेक स्टार्ट हुई थी जो 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर जिसका टाइम था, जिसके अंदर मोस्टली बैचलर के जो के कोर्सेज थे। लेकिन जो दिसंबर इनटेक होती है ये इनकी सबसे बड़ी इनटेक होती है और मेजर इनटेक होती है, जिसके अंदर आप बैचलर में मास्टर्स में इनरोल हो सकते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी फ़ीस कहाँ से वेरी करती है, इनकी फ़ीस जो स्टार्ट होती है वो 5000 यूरो से लेकर
लेके 15,000 यूरो तक जाता है। इट डिपेंड्स ऑन के आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, एक आपकी अप्लाइड हेल्थ साइंसिस की यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं और एक आपकी लोकल यूनिवर्सिटी फिनी यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। मोस्टली जो आपके कोर्सेज़ होते हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, तकरीबन मोर देन 200 इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो आपके इंग्लिश टॉट हैं। और इसमें फिनलैंड के अंदर अगर आप बैचलर के लिए या मास्टर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैचलर के लिए जो है वो इंग्लिश प्रोफिशंसी जो है वो उसमें दो तरह के आपके टेस्ट होते हैं, एक आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, दूसरा आपको इसमें आयट्स चाहिए होता है। अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर में फिनलैंड में इनरोल होने के लिए आपको 6.5 बैंड चाहिए। अगर आपका 6.5 बैंड है देन आपका एडमिशन होगा, अगर आपका 6.5 बैंड नहीं है IMPS के अंदर, आइट्स के अंदर या PT में 61 मार्क्स से अबव आपके मार्क्स नहीं हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपका अप्लाई करना बेकार जाएगा। सेकंड थिंग के यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जैसे इटली के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पेड होती हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंड होती है। फिनलैंड के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप जिन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं उनको जो है वो आप ओपनली जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर दो किस्म के एप्लीकेशन सिस्टम होता है, एक ज्वाइंट एप्लीकेशन सिस्टम होता है और एक डायरेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम होता है। ज्वाइंट एप्लीकेशन सिस्टम में यह चीज़ होती है कि आप एट अ टाइम 6 कोर्सेज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, या आप जो अलग से जो इनका सिस्टम होता है वो सेपरेट आप जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर सिंपली वहाँ पर जाकर जिस भी आप कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं हो सकते हैं। अगर हम फिनलैंड की सेकंड बात करते हैं कि दूसरा किस लिहाज से अच्छा है, कि फिनलैंड की बेहतर चीज़ यह है कि फिनलैंड की पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी एम्बेसी वर्किंग में नहीं है, तो इसकी बेस्ट थिंग यह है कि आपको अजरबैजान जाना पड़ता है या दुबई जाना पड़ता है। अब लोग पूछेंगे भाई ये कैसे बेस्ट थिंग है, वो बेस्ट थिंग इस तरह है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा 1 लाख से 1.5 लाख एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका फिनलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया तो आप जब इसके VSF ग्लोबल के थ्रू जो है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए दुबई या अजरबैजान जाते हैं तो वहाँ पर जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 99% है। क्योंकि फिनलैंड के अंदर और अगर हम इटली की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इटली के अंदर जो एडमिशन रेशियो है वो मोर देन 80% है, लेकिन जो वीज़ा रेशियो है वो मोर देन 50% है। लेकिन जो फिनलैंड की बात है कि फिनलैंड सिर्फ उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है जो उनके मुताबिक से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। तो इधर जो एडमिशन रेशियो है वो आपकी तकरीबन 20 से 30% है, क्योंकि अगर आपके मोर देन 60% मार्क्स हैं, आर्ट्स आपका 6.5 है तो आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको एडमिशन मिल जाता है देन आपका वीज़ा 100% लगना ही लगना है। और सेकंड थिंग इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो अच्छी बात यह है कि इटली के अंदर एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो ये है कि फाइनेंशियल स्पॉन्सर की, आपका ब्लड रिलेशन के अलावा कोई स्पॉन्सर नहीं हो सकता। बट फिनलैंड के अंदर जो बेस्ट थिंग मुझे नज़र आती है वो ये है कि आप किसी भी अंकल चाचू मामू ताया कोई भी बाहर के बंदे को भी आप जो है वो ईजीली जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि आपके पास ये 2 मिलियन 3 मिलियन की जो स्टेटमेंट आई है वो कहाँ से आई है। सिर्फ आपका जस्टिफाई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उनका एफिडेविट होना चाहिए और रिटर्न्स होने चाहिए, तो आपका इजीली जो है वो वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी कि आपके लिए बेस्ट क्या है, इटली बेस्ट है या फिनलैंड बेस्ट है। तो दोनों चीज़ों मैंने आपके सामने जो है वो उनकी जो प्रोमिनेंट चीज़ें थी वो मेंशन कर दी हैं कि इटली के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिविटी है, और अगर हम बात करते हैं कि आपकी फिनलैंड के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।